गुंडई की है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। नीरज नाम है, बीजेपी विधायक, चेतराम का बेटा है, ढाबा मालिक पर रिवॉल्वर तानी है, महिला सब इंस्पेक्टर पर भी हमला कर चुका है, यानी इसके पहले महिला सब इंस्पेक्टर पर हमला कर चुका है, पुलिस के सामने ढाबे पर जमकर तोड़फोड़ की है, पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिंधौली के पंजाबी ढाबा की घटना है। अमित इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, ये खुलेआम गुंडई क्यों कर रहे हैं? पुलिस मौजूद है इसके बावजूद? देखिए राहुल, आपको बता दें, ये बीजेपी विधायक चेतराम के बेटे हैं जो खुलई खुलई कर रहे हैं, हालांकि रिवॉल्वर लेके, क्योंकि सत्ता के विधायक हैं, इनसे इतना बड़ा नशा चूर है, क्योंकि ये सब कुछ बोल रहे हैं कि विधायक के लड़के हैं। हालांकि जो धावा स्वामी है उसको जमकर पीटा, उसका सामान भी फेंक दिया है और पुलिस के सामने ये सब वारदात हुई है। अभी खबर ये भी है कि महिला सब इंस्पेक्टर पर भी इन्होंने रिवॉल्वर तानी थी बहुत पहले। देखिए पिछले साल का ये मामला था जहाँ महिला सीमा सिंह के ऊपर इन्होंने मारपीट करी थी, उसको मारा भी था, उसके बाद ये जेल भी गए थे, लेकिन कुल मिलाकर सत्ता के विधायक है वो अभी तक इनका नशा जो है वो उतरा नहीं है। इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई? देखिए पुलिस अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी विधायक के लड़के हैं, इसीलिए तो पुलिस जो है अभी कुछ बात नहीं करना चाह रही। मीडिया से कह रही जांच करेंगे, जांच के बाद कोई कार्रवाई होगी तो वो कर पाएगी। वो अभी तक यानी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस, जब हम लोगों ने मीडिया से बात करने की कोशिश की तो पुलिस से, मीडिया ने, तो उसके बाद भी पुलिस ये कह रहे कि अभी जांच कर रहा है, देख रहे हैं, उसके बाद ही वर्जन दे पाएंगे। विवाद की वजह क्या थी अमित सक्सेना? देखिए विवाद वजह थी, देर रात ये लोग खाना खाने गए थे, आज की शराब के बाद जो पैसे मांगे गए थे धावा स्वामी ने, तो पैसे ना देने पर इन्होंने मारपीट की है, वहां गोली भी चलाई है, उसका सामान भी फेंका है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, ललितपुर से खबर है। ललितपुर में इंसान